Good morning, guys. Good morning. What are you guys doing? Taking care of Noor. Taking care of Noor. Kabu is meeting Noor after so long. After so many days, Kabu is hugging her because now Kabu is perfect. Kabu has got better. And Noor is looking everywhere. And Kabu ने कितने अच्छे से नूर का हेड पकड़ा है और ये इनकी पोजीशन है। नूर की पोजीशन देखो जैसे एक छोटा सा मंकी अपनी मम्मा के साथ ऐसे हक करता है ना, वैसे नूर ने आपके पास हक किया हुआ है। आपको वैक्सीन लगी थी ना न्यूयॉर्क वाले दिन, आप रोए थे। आपका क्लिप दिखा दें सबको कि आप वैक्सीन वाले दिन क्या हुआ था। आप तो बहुत ब्रेव थे। डॉक्टर अंकल ने बोला ये तो बहुत ब्रेव गर्ल है। हाँ, और कैसे आप अपने हैंड्स और लेग्स दिखा रहे थे। डायपर ओपन कर देते हैं, थोड़ा डायपर फ्री टाइम करते हैं। ड्राई शीट पे आराम से चिल करो, ओके। क्या करो कंबल उतारना है नूर को। कैसे मम्मा डायपर फ्री टाइम देगी अगर आप ब्लैंकेट उतारते रहोगे तो। व्हेन यू हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। व्हेन यू हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। When you're happy and you know, and you really wanna show. When you're happy and you know, clap your hands. When you're happy and you know, say mama. When you're happy and you know, say mama. When you're happy and you know, and you see the camera too. When you're happy and you know, say mama. वो देखो कैमरा पे नजर है उसकी, उसको लगता है कैमरा भी एक पर्सन है। दो चीजों से फैसिनेटेड है, एक तो मास्क, किसी को भी मास्क लगाए देखेगी ना, देखती रहेगी। दूसरा कैमरा उतार। यस, ये देखो देखो एक सेकंड में। प्लीज पहन लो। चलो यहाँ तक भी दोगे ना तब भी उतार देगी। चलो रेडी गो। ये देखो तो एक बार में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये होते हैं नॉटी बच्चे, नॉटी, बहुत नॉटी, जिनको एकदम नंगू रहना अच्छा लगता है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वी होप दैट आप लोग सब ठीक होंगे। ये साल का पहला व्लॉग है। यस। या बट बहुत लेट है बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से हम तो थे बहुत बिजी। हमारा एक्चुअली न्यू ईयर बहुत हैप्पी नोट पे नहीं निकला। हमने सोचा था कि हम 2 दिन का ब्रेक लेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। हमने ब्रेक तो लिया बट हम कुछ फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर, फैमिली टाइम स्पेंड किया बट उतना अच्छा नहीं गया। और उसके बारे में सारा अपडेट जो है वो आपसे शेयर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम यही होप करते हैं कि ये साल अच्छा जाए। स्टार्टिंग तो साल की अच्छी नहीं हुई है विद द ओमिक्रॉन स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। बट साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये काफी माइल्डर है, तो धीरे धीरे वायरस जो है वो माइल्ड होता जा रहा है। एक कैच है उसके अंदर, माइल्डर फॉर द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, राइट। तो जो बच्चे हैं वो दे आर स्टिल एट अ वेरी हाई रिस्क कि भाई उनके केसेस जो हैं वो सिवियर हो सकते हैं, जो सुनने में भी आ रहा है। एंड द गुड न्यूज इज दैट 15 टू 18 ईयर एज के लिए इंडिया में वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपके बच्चे उस एज में हैं तो उनको वैक्सीन जरूर लगाएं। और 2 टू 14 वाला जो एज ग्रुप है उनकी भी वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। काफी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। सो फिंगर्स क्रॉस हम में से काफी लोग हैं जिनके बच्चे उस एज ग्रुप में फॉल करेंगे। हमारा एक बच्चा करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सो लेट्स होप कि वो भी हो जाए। एंड गाइस, डोंट फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज और एनी अदर सुपरस्टिशन बिलीव्स if you have about the vaccine. Vaccination helps. Vaccination community को बहुत support कर रहे हैं. So if you are vaccinated, please get vaccinated as soon as possible. If you are vaccinated, please get vaccinated. Sort of kind of rhymed it. If you are not vaccinated, please get vaccinated soon. Yeah. So अभी नूर हमारे पीछे सो रही है, उसे हमारी आवाज अच्छी लगती है तो वो आराम से सो रही है और कभी दूसरे रूम में खेल रहा है। सो गाइज, इस व्लॉग में थोड़ी सी बात करते हैं। पिछले हफ्ते 28 दिसंबर को कबीर को कोल्ड सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे। 2 दिन उसको बिल्कुल कोल्ड रहा, रनी नोज था और हमने होम रेमेडीज भी इमिजिएटली स्टार्ट कर दी थी जिससे उसकी रिकवरी भी हो रही थी। हाउएवर 30 दिसंबर को मॉर्निंग से ही उसको एक कफ स्टार्ट हुई जो नॉन स्टॉप कफ थी, मतलब 2-2 सेकेंड का शायद ब्रेक होगा बीच में, और वो कॉन्स्टेंटली खांस रहा था। उसको देख के हमें दर्द हो रहा था कि वो इतनी खांसी कैसे कर सकता है। दोपहर तक जब तक उसकी कफ नहीं सबसाइड हुई तो फाइनली मैंने उसके पीडियाट्रिशियन के साथ वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करने पे उन्होंने मेरे से सिम्टम्स पूछे तो कोल्ड था, कफ था, साथ में उसको सोर थ्रोट भी हो रहा था, गले में भी बोल रहा था दर्द हो रही है, बट थैंकफुली फीवर नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर फीवर होता तो मैं आपको सीधा बोलता कि आप एक कोविड टेस्ट करा लो प्रिकॉशनरी, हाउएवर क्योंकि फीवर नहीं है तो हम इसको एक वायरल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम पे कुछ ऐसे केसेस वो देख रहे हैं जहाँ एक नया टाइप का वायरल इन्फेक्शन आ रहा है जिसमें 2 दिन तक इस तरीके की कफ रहती है और 2 दिन के बाद जाके मेडिकेशन असर करना शुरू करती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मोस्ट लाइकली ये वही है अगर फीवर नहीं आया तो। ऑब्वियसली हम अलर्ट हो गए कि फीवर ना आ जाए बस किसी तरह, बिकॉज वी डिडंट वांट हिम टू गो थ्रू दिस कोविड टेस्ट प्रोसीजर। एंड हमने मेडिकेशन स्टार्ट किया, बहुत लाइट मेडिकेशन ही था, कोई एंटीबायोटिक इन्वॉल्व नहीं था, बट उस लाइट मेडिकेशन के साथ थैंकफुली उसी रात से कबीर को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। फिर फ्राइडे था, फ्राइडे को न्यू ईयर था, फ्राइडे तक उसकी कफ काफ़ी बेटर हो गई थी एंड फ्राइडे को नूर का वैक्सीनेशन था। बी स्ट्रांग, ऑलराइट, लिसन, बी वेरी स्ट्रांग, ओके। तो शाम को 7 बजे हम नूर को वैक्सीन लगवाने गए। वैक्सीन लगा के वापस आए तो उसको थोड़ी पेन वगैरह स्टार्ट हो गई, वो थोड़ी क्रैंकी हो गई। तो रात को 12 बजे हम एक बच्चे को पेन रिलीवर ड्रॉप्स दे रहे थे क्योंकि उसको वैक्सीन लगी थी और दूसरे बच्चे को हम स्टीम दे रहे थे बिकॉज उसको स्टीम की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हमारा न्यू ईयर दोनों बच्चों का ध्यान रखते हुए निकला एंड अब कबीर बहुत ही बेटर है। इनफैक्ट उसके मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो गए हैं, बट वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा आई हुई है और फीवर उसको थ्रू आउट द प्रोसेस नहीं आया। और नूर भी अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई थी, एकदम हैप्पी और बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। सो थैंकफुली ऑल ऑफ दैट वेंट वेल, बट द लास्ट फ्यू डेज वर वेरी वेरी हेक्टिक फॉर द बोथ ऑफ अस। बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे हम, बट थैंकफुली वी आर आउट ऑफ दैट फेज नाउ। सो जो ब्रेक हमें लेना था वो हम नहीं ले पाए। जैसे बोलते हैं ना कि नए पेरेंट्स को कोई वेकेशन नहीं मिलता है, तो ऐसा ही होता है कि कोई वेकेशन नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, सब कुछ जो है आप प्लान करते हो और होता कुछ और ही है। सो ये सब हुआ, बट नाउ वी आर हैप्पी दैट बोथ ऑफ देम आर बैक ऑन देयर फीट, फीलिंग नाइस, फीलिंग हैप्पी, फाइन, एंड हम भी उनके साथ अब इन्जॉय कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन होंगे तो इसी ब्लॉग में हम आगे जाके उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। तो गाइज मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर सम वर्क और मैं बस यही बताना चाहता था कि हमारे लिए व्लॉग एक्चुअली अच्छी तरह कंटिन्यू करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अभी जैसे मानसी कबीर के साथ इंगेज थी, वो उसको पार्क लेके गई ताकि कबीर की भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कंटिन्यू रहे और उसमें ब्रेक ना आए। और मैं नूर के साथ रह गया था तो मसाज वाली आंटी आई, उन्होंने नूर को मसाज और बाथ भी दे दिया, लेकिन मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि उसी टाइम पे मुझे अर्जेंटली अपने लैपटॉप में भी कुछ काम करना था। तो मसाज और बाथ के बाद नूर ने फीड लिया, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पा रही है। हो सकता है कि उसके पेट में जो है वो कुछ पेन हो रहा हो और इंडाइजेशन का कुछ हो या मरोड़े पड़ रहे हो जो कभी कभार होता है नूर को, और तब उसकी स्लीप जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलना पड़ा। तो मानसी अभी नूर के साथ है और कबीर के साथ है। सो दैट्स द टफ पार्ट अबाउट पेरेंटिंग 2.0 विद 2 किड्स। आपको बहुत ज़्यादा मतलब दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है और साथ में काम भी है जिसमें भी आपको इंश्योर करना है कि उतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो जाए। तो यही कर रहे हैं हम लोग। With as sound. I don't know. You don't look here. Just give me 2 words with as sound. Apple. Apple. Ant. Ant. What is this sound? Very good. T. T. Give me 2 words with t sound. Tan. Huh? Tan. Tan is no word. Color it nicely, huh, Kabir? Color it nicely. क्योंकि आप करो. क्योंकि आप करो. कुछ भी बोल दोगे तो funny हो जाएगा कबीर. इसको ऐसे रखो, दिखाओ. इसको ऐसे रखो, स्ट्रेट रखो और आप अपने पेंसिल को मूव करो। सो गाइज मैं आपको अब नूर की वैक्सीनेशन का अपडेट देती हूँ। ये मेरे पास बुकलेट है। तो जब आपका बेबी होता है, जिस हॉस्पिटल में होता है, वहाँ से आपको ये बुकलेट मिलती है जिसमें बेसिकली वैक्सीनेशन चार्ट होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन बच्चे को लगानी है। दोनों वैक्सीन यहाँ आपको मिलती हैं कि मैंडेटरी वैक्सीन क्या है और ऑप्शनल वैक्सीन क्या है। इसके अलावा इसमें ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जैसे वेट का, हाइट का, हेड सर्कमफ्रेंस का, और जनरल बच्चे की वेलबींग की हर स्टेज पर क्या क्या डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए वो भी इस बुकलेट में दिया किया जाता है। तो ओवरऑल ये बड़ी अच्छी बुकलेट है रेफर करने के लिए। तो गाइस नूर का तो ये अभी पहला ही वैक्सीनेशन है, बट कबीर से रिलेटेड वैक्सीनेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस था या इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, चार्ट है, वो सब हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.momcomindia.info। वहाँ पे आपको इंग्लिश आर्टिकल्स और एसोसिएटेड हिंदी वीडियोस भी मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे लिखा गया है, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा टू प्रिपेयर यू एज अ पेरेंट। और अब बात करते हैं नूर के वैक्सीनेशन की। तो नूर को सबसे पहली वैक्सीन लगी थी हॉस्पिटल में, जो इमीडिएटली दे दिया जाता है आफ्टर बर्थ। उसके बाद स्ट्रेट अवे जब बच्चा 6 वीक्स का होता है तो आपको वैक्सीन लगती है। यहाँ पे उसको 3 वैक्सीन्स मिली हैं, 2 इंजेक्शंस मिले हैं और एक ओरल वैक्सीन मिली है। तो ओरल उसको मिला है रोटावायरस। रोटावायरस बेसिकली जो बच्चों में एक डायरिया हो जाता है उसके लिए होता है। और जो 2 इंजेक्शंस मिले हैं उसमें से एक है न्यूमोकॉकल और दूसरा है डीटीपी, जिसमें डीटीपी है वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोला जाता है, और पोलियो भी है। तो एक इंजेक्शन में वो सब था, एक में न्यूमोकॉकल था और जो मुंह से मिला उसमें रोटावायरस था। तो उसके दोनों लेग्स पे उसे जब इंजेक्शन लगा तो वो काफ़ी रोई भी, बट बहुत जल्दी चुप हो गई थी। एंड थैंकफुली बहुत ज़्यादा भी रिएक्शन उसको नहीं आया था, थोड़ा बहुत पेन शाम को उसको हुआ था। तो हमने ये जो वैक्सीन लगाई ये पेनलेस वैक्सीन है। आप नॉन पेनलेस वैक्सीन भी ले सकते हैं, टोटली आपका कॉल है। वो थोड़ी सी चीप होती है कम्पेयर टू दिस, बट उस वैक्सीन में जनरली इतने छोटे बच्चों में थोड़ा सा रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। जिस जगह पर वैक्सीन लगती है वहाँ पे बम्प बन जाना, बच्चे को थोड़ा पेन होना, फीवर आना, जैसे नूर को इस केस में फीवर नहीं आया था, तो वो सारे चांसेस उस वैक्सीन में लगते हैं। नॉर्मली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाएंगे तो वहाँ पे नॉन पेनलेस वैक्सीन ही लगाया जाता है। प्राइवेट में जनरली पेनलेस वैक्सीन का ऑप्शन होता है। कबीर के टाइम पे भी हमने सारी पेनलेस करी थी और हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, और नूर के टाइम पे भी हम यही करने वाले हैं। दूसरा फर्क ये होता है कि पेनलेस वैक्सीन में आपको बूस्टर शॉट लेना पड़ता है, और पेन वाली जो वैक्सीन होती है उसमें एक ही शॉट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, बट तभी उसका थोड़ा सा रिएक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको कौन सा वैक्सीन लगाना है, वो टोटली आपका चॉइस है। अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए एंड टेक अ कॉल। नाउ जब आप इस वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपके डॉक्टर आपसे खुद ही डिस्कस करेंगे, नहीं करें तो आप ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात होती है डिस्कस बच्चे के वेट की। तो 6 वीक्स पे ये देखा जाता है कि बच्चे का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो 900 ग्राम से 1 किलो बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बर्थ के बाद पहले 15 दिन में बच्चे का वेट डिप करता है और फिर बच्चा अपना बर्थ वेट रीगेन करता है। तो 15 दिन से लेके 6 वीक, तो बेसिकली 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में बच्चे का वेट जो है ऑलमोस्ट 1 kg बढ़ना चाहिए। बच्चे की हाइट थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, तो वो डॉक्टर्स देख लेते हैं। फिर डॉक्टर्स पूछते हैं कि बच्चे का पी काउंट कितना है, तो कितनी बार बच्चा सुसु करता है, तो कम से कम 6 बार बच्चे को सुसु ज़रूर करना चाहिए। बच्चे की पॉटी कैसी है वो यहाँ पे डिस्कस होता है। डॉक्टर्स उसका स्टमक चेक करके भी देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अलॉन्ग विद दैट अगर बच्चा उठा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा थोड़ी बहुत मूवमेंट करके दिखाए, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे हाथ और पैर थोड़ा मूव कर रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट। बच्चा आई कॉन्टैक्ट कर पा रहा है या नहीं, थोड़ा बहुत उसने गर्गलिंग या कोइंग साउंड्स इस स्टेज तक निकालना शुरू कर दिया है या नहीं, तो ये बड़े अच्छे साइंस हैं बच्चे की डेवलपमेंट के, जो आप और आपके डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चे का स्लीप कैसा है, इस स्टेज पे बच्चों को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए। अगर नहीं सो रहे हैं तो ये आपके लिए एक रीज़न है टू डिस्कस विद द डॉक्टर कि रूट कॉज क्या हो सकता है। बच्चे की फीडिंग कैसी है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे हर 2 घंटे में फीड ले रहे होते हैं, जैसे नूर का भी यही पैटर्न है। बट अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो रात को एक फीड जो है वो काफ़ी गैप के बाद लेती है, कई बार 4 घंटे 5 घंटे भी हो जाता है। तो एज़ पर डॉक्टर्स दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज बच्चा क्या करता है कि दिन में फिर अपनी जो कैलोरीज हैं उसको कवर अप कर लेता है। एज लॉन्ग एज दैट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो दैट्स इट, ये सब डिस्कस होता है। उसके बाद ये डिस्कशन होता है कि अगर कोई रिएक्शन आता है तो आपको क्या करना है, फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स देने हैं, पेन रिड्यूसर ड्रॉप्स देने हैं। एंड विटामिन डी की एक डिस्कशन होती है कि वो आपको डेली बच्चे को देना है एटलीस्ट 1 साल तक। 0.5 ml की डोसेज होती है, जिस ब्रांड का विटामिन डी आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है आप वो ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो विजिट थी वो सक्सेसफुल गई। नूर का जितना डेवलपमेंट स्टेज पे होना चाहिए वो अच्छे से हो रहा है। सो थैंकफुली एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। मुझे इसको लेके काफ़ी डर रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कोविड हो गया था, तो मुझे लगता है इसके साथ सब कुछ ठीक हो। बट डॉक्टर्स यही बताते हैं कि अभी तक उन्होंने ये देखा है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड हुआ उनके बच्चे सब ठीक हैं, हेल्दी हैं और सब कुछ उनके साथ ठीक जा रहा है। तो या दैट्स ऑलवेज अ वरी, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन।